हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे CB350RS के बारे में, क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो एज बीइंग एन ओनर। चलो वीडियो शुरू करते हैं, बट उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बी पार्ट ऑफ द फैमिली। पहले कौन के बारे में अगर हम बात करेंगे, दैट इज़ डेफिनेटली द मड गार्ड। CB350 हाईनेस में भी ये प्रॉब्लम था, पता नहीं होंडा क्यों इसको रिजॉल्व नहीं कर पाया, क्योंकि इट्स बीन क्वाइट सम टाइम की बाइक लॉन्च हुआ है, बहुत टाइम से मार्केट में है। अभी तक एटलीस्ट CB350RS जो नया मॉडल है, कलेक्टिंग ऑल द प्रीवियस प्रॉब्लम्स फेस बाय द प्रीवियस ओनर्स, ये रिजॉल्व हो जाना चाहिए था। बट CB350RS में डेफिनेटली अभी भी ये प्रॉब्लम है। द मडगार्ड इशू इतना प्रॉब्लम है कि आप रेनी सीजन में अगर बाइक को लेके जाओगे बाहर, पूरा का पूरा जो कीचड़ है, ऑल द मड विल बी ऑन योर इंजन, या आपके पीछे का जो भी वायरिंग है वहाँ तक पहुँच जाता है। सो ये एक बहुत बड़ा इशू है। नॉट ओनली दैट, आपके पूरे कपड़े में भी ये पूरा कीचड़ गिरेगा एंड इवन योर पैंट्स विल बी वेरी डर्टी। सो मड गार्ड इशू को सॉल्व करना चाहिए। जब मैंने होंडा डीलर से इसके बारे में बात किया था, तो ही स्टार्टेड टेलिंग मी कि ये प्रॉब्लम डिस्कस हो रहा है एंड इट कुड प्रॉबेबली गेट रिजॉल्व, बट बहुत टाइम हो चुका है, कोई रिप्लाई और कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कंपनी से। ये इशू को रिजॉल्व करना चाहिए होंडा को। सेकेंड पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज डेफिनेटली द पिलियन सीट। ये CB350RS का सीट हाइनेस जितना कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं है। दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट सीट, इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं है बैठने के लिए। इवन द ग्रैब रेल्स और ग्रैब हैंडल्स हैव बीन चेंज्ड कम्प्लीटली, तो पिलियन को बैठने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आपको पिलियन कम्फर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यू शुड कीप दिस इन माइंड। The other important point which I want to highlight, the big problem with CB350RS, कि ये जो price है, it does not justify the premium जो extra आपको pay करना पड़ता है highness से, जो मुझे ऐसा लगा कि it does not deserve so much of extra amount, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा difference नहीं है। And if you see all the things, यहाँ पे प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ हुआ है, CB350 has more metal areas, and I personally feel कि at least it should, both the bikes should have been in the same price, but Honda बोलते हैं कि उसका जो बैश प्लेट है और बाकी के जितने छोटे मोटे चेंजेस है उसके वजह से उनको प्राइस थोड़ा ज़्यादा हुआ है। बट आई पर्सनली फील कि ज़्यादा प्राइस इतना होना नहीं चाहिए था। सो यू आर पेइंग अ लॉट मोर देन यू शुड फॉर द CB350RS देन द हाइनेस। ये इशू के बारे में आपको पता ही है, द लैक ऑफ सर्विस सेंटर इज़ अ बिग मेजर इशू फॉर ऑल बिग विंग कस्टमर्स, क्योंकि यहाँ पे आपको इतने ज़्यादा सर्विस सेंटर्स नहीं मिलते इस मोटरसाइकिल के लिए, जितने अगर आप रॉयल एनफील्ड से कंपेयर करोगे तो बहुत कम सर्विस सेंटर्स है बिग विंग का। एंड आई सी नॉट अ लॉट ऑफ बिग विंग्स हैव बीन शोइंग अप इन द सिटी। सो अभी शायद होंडा को दिस शुड स्टार्ट वर्किंग इवन मोर, ताकि और ज़्यादा बिग विंग सर्विस सेंटर्स जल्दी आ जाए सारे जगह पे, सो दैट इट इज़ एक्सेसिबल फॉर एवरीबॉडी। नेक्स्ट मेजर इश्यू है लैक ऑफ इम्पोर्टेंट एक्सेसरीज। ये RS को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि पीपल हु वुड बाय दिस वुड यूज़ इट एज अ सिटी बाइक, बट हाइनेस में टूरिंग के लिए एक्सेसरीज का ज़रूरत पड़ता था। बट बहुत सारे लोगों को CB350RS में एक्सेसरीज का ज़रूरत पड़ेगा, बट सैडली वो ऑप्शन बहुत कम है होंडा में एट दिस पॉइंट। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि होंडा इज़ रियली वर्किंग ऑन प्रोवाइडिंग अस क्वालिटी एक्सेसरीज, एंड CB350RS सफर्स फ्रॉम इश्यूज रिलेटेड टू द एक्सेसरीज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। सो आई थिंक होंडा शुड कम अप एंड गिव अस मोर एक्सेसरीज, बिकॉज द प्रीमियम दैट यू पे फॉर दिस बाइक, एक्सेसरीज का ऑप्शंस होना चाहिए होंडा के तरफ से। अभी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करूँ तो सीट का जो मटेरियल है वो काफ़ी डिफरेंट है हाइनेस से, तो यहाँ पे आपको ये मेंटेन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये एक वेलवेटी टाइप का मटेरियल है और ये जो यहाँ पे कुछ भी अगर गंदा हो जाएगा सीट में, तो आपको क्लीन करने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। एंड आई पर्सनली फील दैट इट्स ए डर्ट मैग्नेट, इसको ईजीली मेंटेन नहीं कर सकते हो आप, एंड हाइनेस हैज़ ए वेरी डिफरेंट सीट मटीरियल। RS का सीट का मटेरियल दिखने में काफ़ी अच्छा है, बट मेंटेन करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है।
अदर बिग मेजर इशू विद दिस मोटरसाइकिल इज इसका है इंजन का जो ट्यूनिंग है, आपको बार बार गियर शिफ्ट करना पड़ता है और इसका जो ट्यूनिंग है वो काफ़ी हाईनेस है, काफ़ी सिमिलर है, तो वही प्रॉब्लम आपको इस बाइक में भी मिलेगा। आपको बार बार डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा, सो इट्स नॉट अ बाइक विच इज़ फ्रेंडली टू राइड इट इन द सिटी, क्योंकि अगर कोई भी स्पीड ब्रेकर आएगा तो आपको रैपिडली डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका इंजन नो इज नॉट ईजिली मैनेजेबल इन द सिटी। आपको कभी कभी अच्छा लगेगा क्योंकि द गियर बॉक्स इज सुपर स्मूथ, तो आपको शिफ्ट करने में मज़ा आएगा, बट सम ऑफ अस विल फाइंड इट इरिटेटिंग कि आपको बार बार गियर शिफ्ट करना पड़ता है एंड इट टेक सम टाइम टू गेट यूज टू। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इट्स नॉट अ मेजर इशू, बट दी इंजन हीट ऑन दिस बाइक इज स्लाइटली मोर, बट डेफिनेटली ये मैं कॉल में इंक्लूड नहीं करना चाहता था क्योंकि इसमें ऐसे कोई मेजर इश्यूज नहीं आते हैं। इट वोंट बर्न योर फीट या आपको ऐसे कोई मेजर इश्यूज बिल्कुल भी नहीं देगा मोटरसाइकिल, बट ये एयर कूल्ड इंजन होके थोड़ा सा ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, सो इट टेक्स टाइम फॉर इट टू कूल डाउन। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, गियरिंग एंड यूजिबिलिटी ऑफ द इंजन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जब सिटी में चलाते हो तो बार बार आपको गियर शिफ्ट करना पड़ता है, एंड द फिफ्थ गियर में आपको कम से कम 80 टू 70 के स्पीड में रहना पड़ता है टू एंजॉय द पावर ऑफ द इंजन, या आपको फोर्थ गियर में ही चलाना पड़ेगा क्योंकि द गियरिंग ऑन दिस बाइक इज़ वेरी टॉल। तो स्क्रैम्बलर टाइप के डिज़ाइन में आई थिंक द गियरिंग शुड हैव बीन अ लिटिल शॉर्टर, हाईनेस में ये गियरिंग सूट करता है टू सम एक्सटेंट, बट ऑन द CB350 RS विच इज डिजाइन टू बी स्पोर्टी, शायद गियरिंग थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए था, बिकॉज आई थिंक विद दिस इंजन एंड अ शॉर्ट गियरिंग इट वुड हैव बीन अ जॉय टू राइड इट इन द सिटी या ऑन द हाईवे। इस बाइक का फिट फिनिश और क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, सब लोग आपको ये बात बोलते हैं, डेफिनेटली द फिट फिनिश एंड क्वालिटी इज टॉप नॉच, नो डाउट अबाउट इट, बट थोड़े एरियाज है जैसे सीट को अगर मैं मूव करता हूँ तो इट मूव्स फ्रीली एंड एक साउंड प्रोड्यूस होता है सीट में व्हेन यू ट्राई टू टैप ऑन इट और अप्लाई सम प्रेशर, एंड ऑल्सो देर आर सर्टन एरियाज ऑन द बाइक लाइक द टैंक आई थिंक विच मूव्स अ लिटिल बिट, आई थिंक ये वाइब्रेशंस को रोकने के लिए है, इट्स नॉट अ मेजर इशू, बट मे बी स्लाइटली थोड़े जगह पे आई थिंक फिट फिनिश शुड हैव बीन बेटर, देन आई थिंक दिस बाइक वुड हैव बीन परफेक्ट, बट फिट फिनिश और क्वालिटी इस बाइक में इज अ थम्स अप फ्रॉम माय एंड। और एक प्रॉब्लम इस बाइक में हुआ है इसके कलर ऑप्शंस, शायद कलर ऑप्शंस इसके जो अभी करेंटली है वो अच्छा है, बट आपको दो ही कलर ऑप्शंस मिलता है, शायद आपको और ज़्यादा कलर ऑप्शंस होना चाहिए था, एंड वेरिएंट्स का भी ऑप्शन इस मोटरसाइकिल में होना चाहिए था क्योंकि आपको दो ही वेरिएंट्स मिलते हैं इस बाइक में, हाईनेस में आपको ज़्यादा कलर के ऑप्शंस मिलते हैं। डेफिनेटली ये ड्यूल टोन कलर जो है वो काफ़ी अच्छा है, बट आई थिंक शायद और थोड़ा सा बेटर होता तो आई थिंक इट वुड हैव बीन इवन बेटर। बट ओवरऑल CB350 RS इज़ ए ब्रिलियंट लुकिंग बाइक, काफ़ी अच्छा लगता है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, कलर ऑप्शन भी काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी फिट फिनिश इज टेरिफिक ऑन दिस बाइक, सो इफ़ यू शुड रियली गो एंड परचेज दिस बाइक येस, बट आपको ये पॉइंट्स पता रहना चाहिए जो मैंने आज बताया, सो वी मे आई मेड दिस वीडियो, आई होप यू एन्जॉयड इट, थैंक यू सो मच गाइज, ड्राइव सेफ, स्टे सेफ एंड सी यू अगेन, बाय बाय।